हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 30 जो कक्षा छठी से आठवीं के लिए बनी है और जी 8 अगस्त 2020 को करनी है। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 यानी कि 8:30 करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठ कर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपने डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा परिवार। तो देखिए बेटा, ये बच्चे ने अपने परिवार के बारे में बताया। अब परिवार में सब एक ही स्थान पर एक साथ बैठ के एक ही साथ भोजन करते हुए अपने सारे दिन की गतिविधियों को शेयर कर रहे हैं कि पूरा दिन उन्होंने क्या किया और कैसे किया, क्या अच्छा क्या बुरा हुआ। तो अब देखिए, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। अब यहाँ पर आप अपने घर के सदस्य लिख सकते हैं। यहाँ पर उनके घर के सदस्य कितने हैं, देखिए दादी हैं, मम्मी पापा हैं और साथ में कोई बैठा है और वो बच्चा है। तो अगर इनके सदस्य गिनेंगे तो कितने हैं, 5। और आप यहाँ पर अपने घर के सदस्य लिखिए कि मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर आप पहले तो उनके लिखिए कि सदस्य कितने हैं, इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। और फिर उसके बाद आप अपने परिवार में, मेरे परिवार में जी कितने सदस्य हैं वो लिखिए। आपके अनुसार क्या घर के नियम होने ज़रूरी हैं और क्यों, अनुमान लगाइए। बेटा घर में अगर नियम होते हैं कि हमें ऐसा करना है तो सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं। अब सुचारू रूप से चलने का मतलब होता है निश्चित समय पर सब काम होते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, कोई चीज़ आपकी बचा नहीं रहता काम के, अभी ये काम करना बाकी है। एक समय के अनुसार हम ढील नहीं छोड़ते और फटाफट बिना किसी आलस के सारे काम समय पर कर लेते हैं। उसके बाद है, मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा मिलकर बातचीत करने से जब आप अपने अनुभवों को, अपने पूरे दिन के बारे में एक दूसरे को बताते हो तो एक तो आपको पता चलता है कि सब किसकी मन स्थिति कैसी है, उसके अलावा मनस्थिति के अलावा आप अपने बड़ों के अनुभवों के द्वारा बहुत सी परिस्थितियों में क्या करना सही था या गलत था, या दोबारा कभी ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, या हमारे मन में एक विश्वास भी इसी से बनता है कि हमने जो कार्य किया वो सही किया या भली भांति पूर्ण किया। अगर उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो हम उसे कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो जब तक हम अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तो हमें ना तो किसी और के अनुभव के बारे में पता चलेगा और ना ही कोई हम अपने अनुभवों को किसी को बता पाएंगे। जब इस तरह से हम घर में, परिवार में एक ऐसा समय रखेंगे जब सभी बाकी सब कामों को छोड़कर एक साथ समय बिताएंगे तो सबको अच्छा भी लगेगा, सब खुश रह सकेंगे, आपसी संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। अगला देखते हैं, मेरी तरह आप भी किसी भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कर कीजिए। तो बेटा डायरी कैसे लिखी जाती है, आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि क्या तिथि है, क्या तारीख है, फिर दिन क्या है, उसके बाद प्रिय डायरी। आप डायरी को एक सहेली, एक दोस्त समझकर अपने पूरे अनुभव, जो भी अच्छा या बुरा हुआ, जो भी आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, उन चीज़ों को उसमें लिखिए। आपके भावों को, आपके विचारों को और उन अनुभवों को जो आपको हमेशा आगे याद आएंगे और आप जब कभी उन्हें उठाकर दोबारा पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया। उससे बेटा बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो हम अपने मन को हल्का कर लेते हैं, हमें सही और गलत का ज्ञान समय समय पर होता रहता है, हम अपने राह से भटकते नहीं हैं। फिर आने वाले समय में अगर हमें किसी चीज़ को, जैसे आप अपनी फ़ोटो एल्बम्स देखते हो ना, फ़ोटो खींचते हो कहीं जाते हो, तो
इस तरह से वो भी आपकी यादें तैयार हो जाती हैं। जैसे फ़ोटो एल्बम है, ऐसे आपकी डायरी है जो आपको बताती है कि किस समय, कौन से दिन, कौन से साल, कैसे, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या आपने कैसे प्राप्त किया, किस तरह से आपने अपनी जर्नी, जो आपकी यात्रा है आगे बढ़ने की, उसको शुरू किया था और किन परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए आपने उसे पा लिया। तो ये जो खुशी होती है, वो खुशी के कुछ प्रमाण इकट्ठे हो जाते हैं आपको, वो डायरी आपको याद दिलाएगी और आगे भी अपने पथ पर तत्पर रहने के लिए भी प्रेरणा देगी। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे अपने घर परिवार, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे। उनके साथ साझा करके आप अपने अनुभवों को और अपने विचारों को भी साझा करेंगे, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करके अपने अनुभव और अपने विचार प्रकट करेंगे और उनसे सकारात्मक, पॉजिटिव बिहेवियर सीखेंगे। आपके व्यवहार में एक अच्छा बदला, अच्छे की ओर बढ़ना सीखेंगे आप उससे। धन्यवाद, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ ही बांटिए। धन्यवाद।